नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला लुधियाना स्टेट हाईवे पर ईंटों से भरी ट्रॉली के पीछे टकराई कार, 3 युवकों सहित 1 बच्चे की मौके पर मौत। अमृतसर थाना सदर की पुलिस ने राइंडर ऐप के जरिए बने दोस्त द्वारा नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। जालंधर रेंज के डीआईजी स्वपन शर्मा ने सिविल अस्पताल के नशा छुड़ाओ केंद्र का किया दौरा, कई मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। और अब हलचल विस्तार से। बरनाला लुधियाना स्टेट हाईवे पर एक और भयानक हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। सुबह 5 बजे एक कार ईंटों से भरी ट्रॉली के पीछे से टकरा गई, जिससे कार में सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के हिसार के रहने वाले 4 कार सवार नकोदर डेरा बाबा मुराद शाह की ओर जा रहे थे और बरनाला लुधियाना रोड पर भदलवाड़ गांव के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना ठुलीवाल के SHO ने बताया कि मृतकों के शवों को बरनाला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतक के परिजनों के आने पर उनके बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अज पौने 5 बजे सवेरे की गल है, पिंड पंद्रवाड़ा बस स्टैंड एक कार हिसार तो आई थी, जिदे 4 नौजवान से जेडे नकोदर बाबा लाडी साहब ने जा रहे थे। तो उन्होंने अगे एक ओवरलोड इट्टा ही ट्राली सी, जिदे रिफेक्ट नहीं लगे थे, वो लगन करके कार बिल्कुल नष्ट हो गई। तो मौके से 4 की डैथ हो गई, जिन्हों डेड बॉडियां सिविल अस्पताल बरनाला पोस्टमार्टम भजाई गई, उन्होंने वारस नाल संपर्क किया गया जो आ रहे हैं, जिन्हों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये 4 लोग से जिन्हों एक विकास सी जिसकी उम्र करीब 28 साल सी, अमृतपाल से वह साला सीगा, उसकी उम्र भी करीब इन्नी सी, एक बच्चा सी 10-11 साल का, एक सोनू नाम का सी, वह करीब 40 साल का सीगा। ये हिसार तो आए थे, नकोदर जा रहे थे। बरनाला साइड तो आ रहे थे, लाडी शाह जा रहे थे, सुना जी गड्डी देखो जी, मौके तो कोई है नहीं सी, नेरा सी जी, का सवेर का टाइम सी, नेरा सी उदों, ते गड्डी इस हिसाब नाल स्पीड से भी ले कह भी सकते जी। बाकी पिंडां दे बंदे आ गए जी, उदों बाद बहुत औखे कढ़ने जी, ट्रैक्टर टोदन टूदन पा के कढ़ने जी, बाली गंभीर हालत हो गई जी। नहीं ट्रैक्टर वाला खड़ा जी, उन्होंने वो थाने लै गए जी, यानी कि पुलिस बुला ली सी ना बई जी। इतों ना टिकटा की भरी ट्राली जाती थी मूहरे, मगर गड्डी आँदी सी सलारियो, तो पता नहीं था भी बंद पता नहीं लगे है, सीधी आके बैक साइड से लगी मगर। किन्ने बंदे थे? 4 बंदे थे गड्डी के, 4 की मौके की डेथ हो गई। ना ना जमा किसी मौके से डेथ, जदों अभी आके देखे मौके के नाल डेथ हो गई। एक हाँ, एक 14-15 साल का बच्चा सी, 3 के 2 मुंडे थे 27-28 साल की उम्र, एक 35 साल तो प्लस से 40 साल के लवे लाने से जमा वैसे डेथ जो कटे ने 5 बजे आ कटे ने जमा डेड सी। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने ग्राइंडर ऐप के माध्यम से दोस्त बनाकर नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक विपन कुमार निवासी गांव जहांगीरपुर ने ग्राइंडर ऐप के माध्यम से करणदीप सिंह उर्फ करण नामक लड़के से दोस्ती की, जिसके बाद करणदीप सिंह ने उसे HDFC बैंक में नौकरी दिलाने की बात कही, जिसके चलते अलग अलग तिथियों पर 23,600 रुपये फोन ऐप के जरिए करणदीप सिंह को ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके बाद उसे नौकरी नहीं दिलवाई गई और उससे फिर से पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए योजनाबद्ध तरीके से आरोपी करणदीप सिंह
उर्फ करण को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से मोबाइल फोन और 5 सिम बरामद किए गए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एसीपी वरिंदर खोसा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके। करणदीप सिंह ने इसमें दसिया कि यह उसकी जॉब HDFC बैंक के बतौर मार्केटिंग मैनेजर करवा सकता वा, जिस वास्ते इसनों यह फॉर्म भरना पवेगा। उसने अलग अलग फॉर्म से उसके सिग्नेचर भी कराए, तो उस तो बाद इसनों कहा कि इस वास्ते तो तेरी इन्नी अलग अलग जगह की फीस जां तेनू इन्नी रिश्वत देनी पवेगी। इस तो बाद इसने फोन पे दे राही पिछले 15 दिनों के इस को 23,600 रुपए अलग अलग टाइम पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके इसने अपने खाते के पाए ने। हुण यह जो बिपिन कुमार है इस तो होर पैसों की भी मंग कर रहा है कि अगर नौकरी लगना तो इन्ने होर पैसे दिते जाण, अदरवाइज़ उसका जो एग्रीमेंट हुण तक उहदे नाल होया वा नौकरी देने का वह एग्रीमेंट कैंसल हो जूगा। इस तो बाद इसने कल करणदीप ने जो इस तो 7,000 की मंग की तो उसने कहा कि वह खंडे वाले चौंक के कोल आके उसनू 7,000 रुपया दे जाए, जिस तो बाद असी अधीन धारा 420 ते 66 IT Act के तहत दोषी करणदीप सिंह पुत्र सतनाम सिंह वासी बुग्गा जिला तरन तारण उसके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर किया। जदों असी योजनाबंद तरीके दे नाल उस बंदे नू काबू करन लई मदई नू नाल लै गए तो असी उसनू मौके तो अरैसट करन विच कामयाब होए हैं। सो उस तो बाद सामने आया कि जो दोषी है करणदीप है बड़ा 76 तरह का मुजरम है। उसने अलग अलग उस कोल 5 सिमां बरामद हुई ने, जिस विच उहने अलग अलग नंबरां दे नाल 3 अलग अलग वट्सएप बनाए हुए सी। एक वट्सएप तो वह खुद बतौर करणदीप उस गल करता सी, दूसरे तो वह बतौर HDFC का जनरल मैनेजर होकर गल करता सी। पंजाब सरकार द्वारा नशे को ख़त्म करने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सिविल अस्पताल के नशा छुड़ाओ केंद्र में SSP देहाती SPD DIG सहित कई अधिकारी मरीजों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान जालंधर रेंज के DIG स्वपन शर्मा ने डिप्टी मेडिकल अधिकारी डॉक्टर ज्योति शर्मा सहित अन्य अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में DIG स्वपन शर्मा ने कहा कि हेल्थ विभाग और पुलिस विभाग नशे के खात्मे के लिए एक चैन की तरह इकट्ठा काम कर रहे हैं, जिसके चलते सिविल अस्पताल में नशा छुड़ाओ डॉक्टरों को आ रही मुश्किलों को लेकर बातचीत की गई। वहीं शहर में नशे को कैसे खत्म किया जाए इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की सप्लाई डिमांड साइड की जी जिलिंग है सरकारी दायरों की वह एक उपराला सी प्रॉब्लम्स आप दसियाँ उन्होंने प्रॉब्लम्स आप सुनिया तो ड्रग इशू तो जी भी प्रॉब्लम्स आदि हैं वो सुचारू ढंग नाल उन्होंने एड्रेस किया जाऊगा। इस बारे मीटिंग हुई, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने की मुश्किल तो फिर दोबारा दस बाकी होर भी आपके जी अपनी लड़ाई है ड्रग्स के अगेंस्ट इनू होर स्ट्रेंथन करा तो कट्ठे मिल के करा। समय इदा है कि सानू मेन तो जो पुलिस वाला है पार्ट वो करेंगे, बाकी असी तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तीनों डिपार्टमेंट कट्ठे मिल के करते हैं तो हम भी करते रहेंगे। इट इज लाइक रिन्यूअल और से कि दोबारा साड़ी कोई मुश्किल ना आए तो डायरेक्ट साढ़े कॉन्टैक्ट हो जाए। एंड इट इज़ नाइस कि इतने सीनियर ऑफिसर्स डायरेक्टली इनवॉल्वमेंट ले रहे हैं, सो इट विल बी अ बैटर सू बैटर तरीके ना कर सकते। DTRP नेहरू इंडोर स्टेडियम में गुवाहाटी असम में गत दिनों 12वीं राष्ट्रीय वोविना मार्शल आर्ट चैंपियनशिप हुई, जिसमें पंजाब की टीम में 7 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय वोविना मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में किड्स वर्ग में सार्वी शर्मा ने सिल्वर मेडल, अश्वता शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं दूसरी ओर सब जूनियर वर्ग में आगमवी सिंह गोराया ने गोल्ड मेडल और रणबीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जबकि जूनियर वर्ग में नियामत गोराया ने सिल्वर मेडल, प्रथम प्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज और सीनियर वर्ग में गौरव पहावा ने गोल्ड मेडल जीता। गौरव के
गोल्ड मेडल जीतने के दौरान घर सहित इलाके में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं गोल्ड मेडल जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए गौरव ने इस जीत के दौरान अपने कड़े संघर्ष के बारे में बताया। गौरव ने कहा कि एक समय था जब किसी कारण उसको गेम बीच में ही छोड़नी पड़ गई थी, जिसके बाद उसने फिर से अपनी गेम शुरू की और गोल्ड मेडल जीता। इस दौरान गौरव के माता पिता से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गौरव को इस गेम में किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही, जिसके कारण गौरव को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की कि अगर सरकार गौरव की मदद करती है तो वे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकता है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गौरव छोटे होते बहुत एक्टिव, स्टडी में भी बहुत एक्टिव, गेम में भी बहुत एक्टिव, स्कूल में रनिंग कंपटीशन होते थे तब भी विनर ही रहा है। स्कूल में जो भी स्पोर्ट होता है सब में पार्टिसिपेट करता है, शुरू से ही एक्टिव है। और अब इसने 6 साल पहले स्टार्ट की जूडो, कराटे, वुशु, ये सब में मेडल लेके आया। बट फिर 2 साल फाइनेंशली प्रॉब्लम्स घर में, तो उसकी वजह से इसको छोड़नी पड़ी। अब फिर इसने स्टार्ट किया, बट इसका मन यही है कि मैं आगे बढ़ूँ, स्पोर्ट्स में आगे जाऊँ और मेरी फाइनेंशली स्पोर्ट्स आगे बड़े लोग करें। अब अगर बच्चे को मदद करेंगे, पॉलिटिशियन मदद करेंगे, तभी बच्चा आगे जा पाएगा और बच्चों को भी पता चलेगा कि इसकी गेम जो है इसके पीछे करियर है, तो वो भी आगे बढ़ेंगे, गेम करेंगे। 2 साल इसलिए छोड़ा क्योंकि पहले भी मेरे काफ़ी मेडल्स थे बट कोई भी मतलब फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। फिर कैसे दोबारा मन में आया कि दोबारा खेलना चाहिए? जॉब कर करके मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई सी, सो मैं सोचा नहीं मैंने उसी लाइन में जाना चाहिए है, और मेरा इंटरेस्ट भी इसी गेम दिल से है। परिवार की तरफ से कैसे सपोर्ट रही? परिवार वालों भी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट रही है, उन्होंने मतलब साथ दिता, उन्होंने मना नहीं किया खेलन तो। सो मैं तो शुक्रिया अदा अपने फैमिली का करता ताकि उन्होंने मैं आगे बढ़ने लिए मोटिवेट किया। भारत सरकार के अभियान मेरी माटी मेरा देश के तहत नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर की अगुवाई में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सैनिक स्कूल से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों से होती हुई शहीद भगत सिंह चौक में पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा में कपूरथला शहर की मिट्टी कलश में रखकर यात्रा निकाली गई। यात्रा में हिंदू कन्या कॉलेज की छात्राएँ भी शामिल थीं। नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार का अभियान है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि अलग अलग क्षेत्र में मिट्टी कलश में एकत्र कर दिल्ली पहुंचाई जाएगी, जहां शहीदों को समर्पित अमृत वाटिका बनाई जाएगी। कलश यात्रा में सुल्तानपुर लोधी, बेगोवाल, भुल्लथ, ढिलवां, नडाला कमेटियों के स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। कपूरथला से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव जिहड़ा पिछले साल तो चलता आ रहा है, उसके तहत ही ये प्रोग्राम जिहड़ा उलीकिया गया है, जिहदे विच कि असी हरेक एरिए तो मिट्टी कलैक्ट करके कलश के पा के उसकी सिटी के यात्रा करनी सी। उस असी इतों के लोकल स्टूडेंट्स को भी पाया, साडे ऑफिसर्स भी सी और बहुत सारिया NGOs ने भी पार्टिसिपेट किया। ये जिहड़ी मिट्टी है दा मोटिव यह हैगा कि जगह जगह तो पूरे देश तो मिट्टी इकट्ठी करके दिल्ली विखे एक अमृत वाटिका बननी है, एक पार्क बनना है जिथे सारी मिट्टी ले जाके पानी है, तो एकता का प्रतीक है ये मिट्टी। इस करके ये मिट्टी सारे पासे कलश यात्रा जिहड़ी है कि पूरे देश च होई। कपूरथला च जिन्नियां कमेटियां हैगियां, नगर पंचायतां हैगियां, वह सारिया जिहड़ियां उन्हां दी मिट्टी इत्थे आई सी, उन्हां दी कलश यात्रा साडे नाल ही निकली सीगी नगर निगम कपूरथला दे नाल। इहदे विच भुल्लथ, बेगोवाल, सुल्तानपुर लोधी, ढिलवां, ये सारिया जिहड़ियां सीगियां साडियां कमेटियां भी कुछ आईयां हाजिर। मेरा नाम तजिंदरजीत कौर है, मैं सुल्तानपुर लोधी तो हाँ, हिंदू कन्या कॉलेज की स्टूडेंट हाँ। सो ये साड़ी रैली निकली है, हर एक कंट्री हर एक स्टेट तो मिट्टी इकट्ठी की जा रही है, जो कि सारी मिट्टी दिल्ली दे विच जाके एक पार्क के वास्ते ले जाई जा रही है। हर एक स्टेट चो मिट्टी लिजाण दा मोटिव यही है कि सारिया की एकता होवे, एकता दे प्रतीक दे वास्ते हर एक कंट्री हर एक स्टेट दे विचों इंडिया दे मिट्टी इकट्ठी की जा रही है।
पंजाब के नौजवान अब अलग अलग तरह की खेलों में अपने परचम लहरा रहे हैं। इसी के चलते मार्शल आर्ट से जुड़ी वोविनम खेल के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले असम में करवाए गए थे, जिसमें पंजाब के कुल 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उनमें से कपूरथला के 6 खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में सोने के तगमे समेत 5 अलग अलग मेडल जीते हैं, जिनका कपूरथला पहुंचने पर उनके क्लब के साथियों और शहरवासियों ने स्वागत किया और शहर के अंदर एक मार्च निकाला गया। क्लब के सदस्यों ने इस खास प्राप्ति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अपने खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन पर गर्व है और भविष्य में भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं। वहीं शानदार स्वागत पाकर नौजवान खिलाड़ी भी काफी उत्साहित थे। कपूरथला से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर, इस तरह ना साडे मतलब कि साडी गेम है वोविनम, जिहड़ी मार्शल आर्ट दा एक फॉर्म है, जिहड़ा नेशनल होया सीगा आसाम दे विच 23 तों लैके 26 तरीक तक, ते उहदे विच साडे कपूरथले दे 6 बच्चे ने डीसी चौक फिट ऑलवेज हिट क्लब दे, जिहड़े कि मेरे अपने बच्चे ने, ते मैं इहनां नूं कोचिंग दे रिहा। ते वड्डी गल इह कि साडे पंजाब वल्लों 7 बच्चिआं ने पार्टिसिपेट कीता नेशनल दे विच, जिहदे विचों साडे 7 दे 7 दे मैडल ने, जिन्हां चों सीनियर विच साडे गौरव ने जो जलंधर तों बिलोंग करदे ने उहनां दा गोल्ड मैडल है, ते इहदे नाल ही इंटरनेशनल वास्ते सिलेक्ट होए ने। इसे तरह साडा सब जूनियर जिहड़ा बच्चा है अगमवीर सिंह गुराया, जिन्हें अपने वेट विच नॉकआउट किक मारदे होए 3 बच्चों नूं हरा के गोल्ड हासिल किया। इसे तरीके नाल साडे किड्स बच्ची है जिन्हें कि सिल्वर मैडल जितया, उसे तरीके नाल साडे एक जूनियर स्टूडेंट नियामत गुराया जिन्हें अपने भार विच दूजा स्थान हासिल किया। इसे तरीके नाल रणवीर सिंह जिन्हें तीजा स्थान हासिल किया, प्रथम उन्हें साडे विच ब्रॉन्ज मारिया, ते इसे तरीके नाल अश्विता जिहड़ी कि साडी किड्स स्टूडेंट ने उन्हें भी ब्रॉन्ज जितया। हरियावल पंजाब संस्था की ओर से कैनेडी एवेन्यू अमृतसर में पेड़ों को नाजायज काटने को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को मांग पत्र दिया गया। इस अवसर पर हरियावल पंजाब के अंकित शर्मा और मेलोडी ने बताया कि अमृतसर के कैनेडी एवेन्यू में बिजली विभाग द्वारा 15 अगस्त को पेड़ों को नाजायज काटा गया था, जबकि बिजली विभाग को पेड़ों को काटने की बजाय उनकी छंटाई करनी चाहिए थी। इस संबंध में उन्होंने बिजली बोर्ड के अधिकारी राजीव शर्मा को मांग पत्र दिया है। इस अवसर पर बिजली बोर्ड के राजीव शर्मा ने कहा कि हरियावल पंजाब की ओर से जो शिकायत आई है उसकी वे जांच करेंगे और जो भी अधिकारी दोषी होगा उससे पूछताछ की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। चेकिंग फिर भी असी एक्शन साहब मैं मनदीप सिंह कहा फिर भी यदि प्रोपर रिपोर्ट बना के आप जो भी इन्हों प्रोपर जवाब दे देंगे। बाकी महकमे वाले अगे भी वढ़ते कदम पूरा बूटा नहीं वढ़िया, महकमे वाले भी सारा थले वा वढ़ता हो, इदा की कोई गल नहीं, अगे बिथेरे इतने लाइना के थले जाते हैं, कद इदा होया नहीं है। तो बाकी चेक करवा के जो भी है इन्होंने जवाब दे देंगे। असी लोग हरियावल पंजाब के बेसिस उत्ते इतने बिजली विभाग के लिए आए हैं, जो कि आज़ादी दिहाड़े वाले दिन 15 अगस्त वाले दिन पेड़ कट्टे गए सी कैनेडी एवन्यू दे विच। सारे पेड़ काफ़ी ज़्यादा पुराने सीगे, जिहड़े चंगे शेड्स दे रहे सीगे, लेकिन तां वी इन्हां नूं बेदर्दी दे नाल कट्टिया गया जो कि छांगना चाहिदा सी। जदों इही जवाब साडे बड़े मानयोग मैलोडी जी ने पुछया, उन्होंने गल कीती उत्थे दे लोकल रेजिडेंट्स दे नाल, उन्होंने अगों इह जवाब दित्ता जी कि इह ते उन्हां नूं पता, उन्हां दा इशू है, सानूं नहीं पता, असीं पेड़ नहीं कटवा रहे। सर, ये बहुत बड़ी मनभगती घटना हुई है, बहुत बड़ा कतलेआम है दरख्तों का, और साडे मीडिया के माध्यम थ्रू असी ये गल की मांग कर रहे हैं। हुण असी जावांगे इत्थे, असी सब को आए सां, इन्होंने कहा असी बिजली, असी सामने भी मैं गल की, एस डी ओ साहब ने भी गल की इलाके के, और एक्सल साहब ने नवी गल की, सारे ने कहा कि असी नहीं किया। तो जे मैं कहा तुसी नहीं किया फिर तुसी सन रिटन नोट तौर पर दे देखो कि साडी संस्था जिहड़ी है ये कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग की तैयारी कर रही है। गोगा पीर वेलफेयर सोसाइटी रेलवे फाटक अड्डा होशियारपुर की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी जरूरतमंद गरीब लड़कियों के 13वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 9 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे किया जा रहा है। इसी संबंध में शहर के गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र प्रदान करने के लिए डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया गया, जिस संबंध में सोसाइटी द्वारा सांसद सुशील कुमार रिंकू, विधायक रमन अरोड़ा, समाज सेविका ज्योति चड्ढा, पीयूष चड्ढा, पूर्व पार्षद मदन लाल खिंदर, आप नेता सनी अंगुराल से मुलाकात कर उन्हें इस विवाह समागम में विशेष रूप से उपस्थित होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया गया।
इस अवसर पर सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र पाल वर्मा, महासचिव मक्खन सिंह, कैशियर सतीश मल्होत्रा ने बताया कि आने वाली 9 सितंबर दिन शनिवार प्रातः 11 बजे 11 जोड़ों की शादियां करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले भी सोसाइटी 112 से ज़्यादा लड़कियों की शादी करवा चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी नवविवाहित जोड़ों को घरेलू जरूरत संबंधी सारा सामान दिया जाएगा और विवाह की सारी रस्में विधिवत ढंग से अदा की जाएगी। इसके अलावा बारातियों के लिए लाजवाब व्यंजनों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शादी समारोह से पहले 6 सितंबर को मेहंदी की रस्म, 7 सितंबर को जागो निकाली जाएगी, 8 सितंबर को गुग्गा पीर का मेला और 9 सितंबर को शादी समारोह होगा। इस मौके पर उप प्रधान सुनील मदान, उप चेयरमैन जीवन कुमार हैप्पी, सुरेंद्र कपूर, वरिंदर कपूर, नितिन भंडारी, मुकुल मध्यानी, प्राण मल्होत्रा, नवीन सेठ, दिलीप कुमार, संजीव खुशबू, चंद्रमोहन सोनू, हरमेल सिंह, राजन कुमार, कुणाल, वरिंदरजीत सिंह, अमित सोंधी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी ये हर साल जरूरतमंद परिवारों का जो भी इन्हों का वेलफेयर के काम करते हैं, अज असी बड़े आभारी हाँ कि इस बार इन्होंने साडे विधायक श्री धर्मराल जी ने भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। असी इस कार्यक्रम में जरूर शरीक होवांगे और ये जो शलाघाजोग काम जरूरतमंद लड़किया की शादी अपने परसनल फंड दे विचों करवांदे आ, असी बड़े ऋणी हाँ एक अच्छे व्यवसाय नूं तालुका रखदे हुए अपने परसनल फंड दे विचों जरूरतमंद लड़किया की शादी करवाना एक समाज दे विच बहुत अच्छा मैसेज आ। असी इस कार्यक्रम में शामिल जरूर होवांगे, असी बहुत ऋणी हाँ पूरी सोसायटी के कि इन्हां ने सानूं इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिता। अज असी गुग्गा पीर पेंपर सोसायटी वालों जो असी हर साल ब्याह कराने हैं उन्होंने गणमान्य जिन्हें भी अपने सज्जन मित्र या शहर के पतवंत सज्जन हैं उन्होंने इनवाइट कर अज असी किंदर परिवार वालों आए हैं और किंदर परिवार ने सानू भरोसा दिता है कि असी इस प्रोग्राम के पहुँचागे और इन्होंने मतलब जो बेटे ने ये सानू मिले ने और इन्होंने साढ़े नाल वादा किया भी असी उस बच्चे आशीर्वाद दे जरूर आवेंगे। गुग्गा पीर वालों सोसायटी जो आई वैसे सोसायटी उन्होंने समूह मैंबर प्रधान जी क्यों ये क्योंकि कन्या का विह हर साल करते हैं सू भी इन्होंने मंत्र दिता है। अभी बड़ी खुशी है कि मैं आप भरोसा दिलाना हाँ मैं ये अभी पहुँचागे अभी और ना ही इदा के समाज के काम जो है करने चाहिए हैं। बाबा जी जानते हैं मैं कि मेरी किन्नी रुचि है इन्होंने कामों में भी ठीक है सब कुछ समय तो थोड़ा जहा मैं बांझा रहा पर मेरे कार्य जोड़े उही चलते पे जो पहला थी और मैं सारे मैंबर मुबारकबाद देना हाँ जिदा तुम लगे रहो और सेवा जी है जो कन्या ब्याह करते रहिए और अज बड़ी खुशी की गल है कि गुग्गा पीर वेलफेयर सोसायटी के सारे ही मैंबरान जो कि गरीब लड़कियों का समूहिक विवाह करते हैं अज इन्हों का 13वां बड़ी खुशी की गल है कि गुग्गा पीर वेलफेयर सोसायटी की जी पूरी टीम अज मैं सदा देने वास्ते आई है जीडिया साड़िया जरूरतमंद भैन ने उन्हों की शादी वास्ते ये उपराला करते हैं कि 13वां सालाना उपराला फिर कर रहे। मैं इन्होंने प्रधान रजिंदर शर्मा जी और पूरी समुची टीम को बहुत बहुत बधाई देना और अपने वालों पूरी मदद कर आश्वासन भी देना कि जिन्नी वाली सेवा होगी मैं अपने वालों भी और सरकार वालों भी इन्होंने बधाई देना। जी जरूरतमंद लड़कियों का विवाह किया जाता है उन्होंने लिए बहुत ज़्यादा साड़ी टीम कर रही है सारा काम वो बहुत ही अच्छी और दिल और लगन के नाल कर रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छी तरह वो कर रहे हैं और जो भी भैन भरावान ने साडा योगदान किया है और उन्हों की मैं बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। तो मैं कहनी हाँ चढ़दिया कला च होवे होर इस तो भी अच्छा सी सारा काम करिए। पीर वेलफेयर सोसायटी वालों हर साल की तरह इस साल भी जरूरतमंद लड़कियों के विवाह का आयोजन किया गया है जिस दे विच 6 सितंबर की जागो, 7 सितंबर की मेहंदी, 8 सितंबर का गुग्गा पीर जी का मेला ते 9 सितंबर नूं जरूरतमंद लड़कियों के विवाह का आयोजन किया जाता है। तुसी सारे इस दे विच आमंत्रित हो
जिन्हां ने भी इस दे विच अपना योगदान पाया है असीं उन्हां सारिआं दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। असीं सारे तुहानूं सारिआं नूं 9 सितंबर नूं इधर जरूरतमंद लड़के लड़कियां दे विवाह दे विच आयोजन लई दे लई आमंत्रण करदे हाँ ते तुसीं सारे आओ ते इस दी शोभा होर वधाओ। इस साल भी जरूरतमंद कुड़ियां दे विआह कीते जा रहे उहदे विच तुहाडे भैण भरावां दे सहयोग नाल जे कही असी करते हैं असी कुछ नहीं करते पे जो करते पे भैन भरावान के सहयोग ना हो रहा है वो असी हाले दाज का जोड़ा जरूरत का समान है कुड़ियों देना हाले असी अज तो लाना चालू किया है वो तो आन के देखो 6 तरीक न मेहंदी की रसम है 7 की जागो है 9 के ब्याह है हुम हुम आ के सारे भैन भरा पहुंचो। जय बाबा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। बरनाला लुधियाना स्टेट हाईवे पर ईंटों से भरी ट्रॉली के पीछे टकराई कार, 3 युवकों सहित एक बच्चे की मौके पर मौत। अमृतसर थाना सदर की पुलिस ने राइंडर ऐप के जरिए बने दोस्त द्वारा नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। जालंधर रेंज के DIG स्वपन शर्मा ने सिविल अस्पताल के नशा छुड़ाओ केंद्र का किया दौरा, कई मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।